ये चित्र वो बच्ची के द्वारा बनाया गया था जिसने एक सुंदर घर का सपना देखा था और ये सुंदर घर में बैठ के वो बनाया था, पर ये बच्ची के सामने ही आज वो घर उजड़ रहा है। बहुत सपना देखा था ये घर में रह के वो बड़ा होने का, बहुत सपना देखा था ये घर में रह के अपना सपना पूरा करने का, पर ये मिट्टी कटाव के वजह से अपना आंखों के सामने अपना घर को उजड़ रहा है। ये परिवार बेघर हो रहा है, कोई दूसरा जगह ढूंढ रहा है घर बसाने के लिए। और ऐसे ही माजुली में हर साल बहुत सारे आदमी अपना घर को खोता है भूमि कटाव की वजह से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सोनश्री नदी का पानी इतना भयानक होते जा रहा है कि हर साल बहुत सारे मिट्टी और भूमि को नष्ट कर रहे हैं। इरोशन में बहुत सारा घर पानी में जा रहा है। सरकार को जिस स्टेप लेना है, जिस एक्शन लेना है, वो विफल हो रहे हैं। वो सिर्फ झूठ का बरसात कर रहे हैं। साइंटिफिक तरीका से ये भूमि को, ये इलाकों को बचाया जा सकता है। ऐसे ही असम का एक जगह में मिसिंग जनजाति या मिसिंग आदिवासी लोग रहते हैं, और ख़ास तौर मिसिंग लोग नदी के किनारे में रहते हैं, और उन्हीं लोगों के बजाय से आज माजुली का जो भूमि थोड़ा बच रहा है, क्योंकि उन लोग जहां पर बसता है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। और ख़ास तौर से सिर्फ नदी नहीं, जितना भी जंगल झाड़ियाँ हो, ये आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासिया लोग हैं जो ट्राइबल हो, उन लोगों की वजह से ये जंगल हो या नदी हो, इन लोग बच के रखा है। बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही हार्ड वर्कर ये लोग हैं, अपना हाथ के कामों में विश्वास रखते हैं, और ऐसे ही ये लोग नदी के किनारे में अपना गुजारा करते हैं। अगर अभी नहीं बचाया जा सके तो एक दिन माजुली इतिहास में सिर्फ रह जाएगा।